जबलपुर में शुक्रवार से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का स्कूलों के निरीक्षण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। वह गुरुवार की देर रात ही भागलपुर पहुंच गए थे। हालांकि सर्किट हाउस में भी उनके लिए दो कमरे बुक किए गए थे, फिर भी वह रात में निजी होटल में रुके और शुक्रवार की सुबह से ही स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए निकल गए। सबसे पहले उन्होंने भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचकर वहां का जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव के पाठक शुक्रवार को सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा लिया। इस दौरान भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सैन भी अपर मुख्य सचिव के साथ मौजूद थे। के पाठक ने निरीक्षण के दौरान कई जानकारी भी डीएम से ली और उचित निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि के पाठक कहलगांव, जगदीशपुर, नाथनगर, सबौर, सनहोला व नगर निगम स्थित स्कूलों का निरीक्षण करने भी जा सकते हैं। अपर मुख्य सचिव के आने की सूचना के साथ ही जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी अलर्ट हैं। के पाठक ने भागलपुर में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के निरीक्षण के दौरान रसोई का भी हाल देखा। इसके साथ ही उचित निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि के पाठक जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बने हैं, तब से एक के बाद एक सख्त फैसले ले रहे हैं। के पाठक पद संभालने के बाद से ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्था और शिक्षकों व कर्मियों की उपस्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर में के पाठक के आगमन की सूचना मात्र से जिले के स्कूलों और शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। मिली जानकारी के अनुसार भागलपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज का जायजा लेने के बाद ACS के पाठक भागलपुर शहर के जगदीशपुर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर के किसी स्कूल के निरीक्षण का कार्यक्रम तय है। भागलपुर जिला अंतर्गत नवगछिया के नदी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी खाल दियारा मधेपुरा सीमावर्ती इलाके में कुछ अपराधियों के द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसकी जानकारी नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज को गुप्त सूचना से प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा दियारा क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान मुख्य सरगना शबनम यादव एवं गिरोह के अन्य सदस्य पुलिस को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में अपराधियों पर फायरिंग की। इस दौरान पुलिस ने दो अपराधियों को खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मधेपुरा जिला के गंगापुर निवासी विलक्षण पटेल के पुत्र विनय पटेल और भागलपुर जिले के बीहपुर थाना क्षेत्र के कपिलदेव मंडल के पुत्र दिनेश मंडल के रूप में की गई है। पुलिस सूत्रों की माने तो दोनों अपराधी कुख्यात शबनम यादव गिरोह के सदस्य हैं, जिसके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक विंडोलिया, चार गोली एवं एक खोखा तथा दूसरे व्यक्ति के पास से दो कारतूस बरामद किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि गिरोह का मुख्य सरगना शबनम यादव, मुकेश यादव, पप्पू यादव एवं अन्य सदस्य घोड़े पर सवार होकर दियारा जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। मधेपुरा सीमावर्ती क्षेत्र में नवगछिया के लोग खेतीबाड़ी करने के लिए जाते हैं। कुख्यात शबनम यादव के गिरोह उस इलाके में काफी सक्रिय हैं। इधर गिरफ्तार किए गए अपराधियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये तीन थाना प्रभारी आप देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े हैं, मुजम्मद पदाधिकारी है, नई थाना प्रभारी मुकुंद मुरारी है, फिर थाना प्रभारी राजेश है और अजीत है झंडापुर थाना प्रभारी और एक SI थे सुधार पासवान। ये चारों और जो फोर्स की टीम थी वो लोग वहाँ गया, सादे लिबास में गया, रेखी किया, फिर सामने आने पे ये लोग ललकारा भी। ये मैं नोचिया पुलिस का पदाधिकारी हूँ, जवान है, आप सरेंडर कर दें। बावजूद वो जो शबनम था अपने विरोध करके फायरिंग पुलिस पे खोल दिया, लगभग 20-25 राउंड फायर किया। हमारी पुलिस जो काफी सावधानी पूर्वक अपना आत्मरक्षा करी, लगभग 6 राउंड इसने लगभग 6 राउंड फायर किया और जो ये दो अपराधी वहां थे आपके विनय पटेल, ये गंगापुर लुटना थाना रतवारा जिला मधेपुरा का है, दूसरा है दिनेश मंडल पेशर कपिलदेव मंडल, ये साकिन बड़ी खाल था नदी का है, गिरफ्तार किया। जिला अंतर्गत के बिहपुर विधानसभा के भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने प्रेस वार्ता कर एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वीरपुर से बीरपुर पथ बनने का क्रेडिट लेने वाले सभी सांसद विधायक चुनाव में हार जाते हैं, चाहे वह बुलो मंडल हो, शाहनवाज हुसैन हो या फिर मैं खुद। साथ ही उन्होंने कहा अब इसका क्रेडिट वर्तमान सांसद अजय मंडल ले रहे हैं, वह निश्चित तौर पर अगले चुनाव में हारेंगे, उन्हें हार से कोई नहीं बचा सकता। इस पर जनता दल यूनाइटेड के जिला प्रवक्ता शिशुपाल भारती ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा
कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। उन्होंने काफी अपशब्दों का भी प्रयोग किया है। उनकी मानसिकता बताती है कि वह अत्यंत पिछड़ी जाति से कितनी घृणा करते हैं, यह सही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को सोचना चाहिए, कोई भी सांसद या विधायक अगर जीतता है तो उसे जनता चुनती है, न कि रोड और नाले की योजना। और भारी बहुमत से 2024 में भी सांसद अजय मंडल चुनाव जीतेंगे। माननीय विधायक इंजीनियर शैलेंद्र साहब जो वीरपुर से हैं, उन्होंने कल बयानबाजी किया है। उन्हीं के बयान का निंदा करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि जो भी 106 सड़क का क्रेडिट लेना चाहता है निर्माण का, वो चुनाव हार जाता है। मैं उनको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चुनाव जनता जिताती है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है, और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से माननीय सांसद पिछले बार भी रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीते थे और इस बार भी और अधिक से अधिक वोट से चुनाव जीत के दिल्ली जाएंगे। रही उनका कहने का बात, तो 2025 में चुनाव होगा, उनको जनता जवाब दे देगी कि जनता चुनाव जिताएगी या फिर सड़क और नाला चुनाव जिताएगा। श्री गुरु सेवा समिति के बैनर तले भागलपुर के गौशाला में चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में प्रसिद्ध कथावाचिका जया किशोरी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन श्रद्धालुओं को सुनाया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। जया किशोरी ने कल देर शाम तक प्रवचन में गयासुर, भक्त प्रहलाद व भरत के किस्से बताए, साथ ही लोगों को जीवन जीने का सार भी बताया। इसके साथ ही उन्होंने एक से बढ़कर एक भजनों को गाया, जिससे प्रशाल में बैठे दर्शक झूम उठे। कार्यक्रम के दौरान गोंडा सांसद निशिकांत दुबे भी पहुंचे। उन्होंने जया किशोरी का स्वागत किया और श्रीमद् भागवत की आरती की। उन्होंने कहा कि भागलपुर अध्यात्म नगरी है और जया किशोरी को सुनकर उनका स्वागत कर खुद को कृतज्ञ महसूस कर रहा हूं। आगे निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि 2024 नीतीश कुमार का साल है, जिसको पूरा होने में एक साल बाकी है। इस एक साल में वह ज्यादा से ज्यादा काम करें और नया बिहार बनाएं। आपको बता दें कि गौशाला में 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक भागवत कथा का आयोजन है। हर दिन जया किशोरी के प्रवचन व भजनों को श्रोता सुनेंगे। सौभाग्य है कि जया किशोरी जी यहाँ आई, और जब भी इस तरह का कोई धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होता है तो पूरा समाज इकट्ठा होता है और समाज प्रवचनकर्ता से जो है कुछ अच्छी बातें सीखता है, और वो समाज को बनाने के लिए, समाज को एकजुट रखने के लिए जो है वही प्रेरणा जो है काम करता है। हम कृतज्ञ हैं कि जया किशोरी जी का यहाँ प्रवचन है और हम आज यहाँ हैं। भागलपुर के समाहरणालय परिसर स्थित डीआरडीए भवन से विकास भारत के तहत जागरूकता रथ को निकाला गया। इस जागरूकता रथ को डीडीसी अनुराग कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में डीडीसी अनुराग कुमार ने बताया कि भारत विकास जागरूकता रथ के तहत 2 गाड़ियों को जिले के 228 पंचायत में भेजा जा रहा है, जहां जाकर लोगों की सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराएगा और जिसका लाभ जनता ले पाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि यह प्रतिदिन 2 पंचायत में जाकर जागरूकता रथ लोगों के बीच सरकारी योजनाओं के लाभ लेने को लेकर अवेयरनेस का काम करेगी। हम तो ये विकास भारत संकल्प यात्रा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके तहत हर पंचायत में जो 2 वैन है वो एक दिन में 2 पंचायत को कवर करेगी, और जितनी भी सरकारी योजना है उसके बारे में लोगों को जागरूक करेगी, बताएंगी, और तरह तरह के कॉम्पिटिशन भी होंगे, जैसे क्विज कॉम्पिटिशन वगैरह। तो एक बेसिकली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, इसी के तहत अभी फ्लैग ऑफ किया गया। सर, ये कहाँ कहाँ जाती है? ये सभी भागलपुर के 238 पंचायतों को। एड्स रहित देश बनाने को लेकर आज विश्व एड्स दिवस पर लोगों को जागरूक करने के लिए तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत सुंदरवती महिला महाविद्यालय बीएड कॉलेज की छात्राओं ने रैली निकाली, जिसमें कॉलेज से निकलकर शहर भ्रमण किया और लोगों को एड्स रोग से बचने के उपाय बताए। गौरतलब हो कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। यह 1988 से मनाना शुरू किया गया है। रैली में निकली छात्राओं ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, एचआईवी एड्स के खिलाफ हमें मिलजुल कर लड़ना चाहिए, क्योंकि एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इसे खत्म करना चाहिए। देश के बचाव के लिए हमें सुरक्षित एवं संबंध का संकल्प लेना चाहिए। ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि इसके प्रति लोगों में जागरूक हो। मेरे कॉलेज के द्वारा उनका प्रमुख उद्देश्य ही यही होता है कि हम समाज से जुड़ी हुई हर समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करें। हमारा प्राचार्य महोदय, हमारे बीएड डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष एवं शिक्षक शिक्षिकाएं का हमेशा से हमारे हम लोगों के प्रति समर्थन रहा कि आप भविष्य में एक टीचर, एक शिक्षक, और शिक्षक का दायित्व जो सबसे बड़ा दायित्व है कि आप समाज के बच्चों के प्रति
जागरूक करें। यदि आप ही ये सब क्रिया कार्य नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो समाज में ऐसे भी लोग इन सब चीज़ों के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। दिशा दे सकती है, और जब तक शिक्षा को हम इन सारी समस्याओं से नहीं जोड़ेंगे, समाज से रूबरू नहीं होंगे, तो शिक्षा का कोई मकसद नहीं रह जाता है। हमारी सरकार जो बिहार की सरकार है, वो भी आज विश्व एड्स दिवस है, और जागरूकता फैलाना एड्स के लिए हमारा मोटो है, और हम ये मैसेज जाए मीडिया के माध्यम से समाज के हर वर्ग के हर निचले पायदान तक जा सके मीडिया के माध्यम से, कि एड्स को किस तरह से, एड्स से हम सुरक्षित रह सकें।